नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। ये मेरा पुराना सोफ़ा कवर है जो कि मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है और इसको बोर भी हो गई हूँ इस कवर से, तो इसको मैं नया लुक देना चाहती हूँ। नया लुक देने के लिए तो पहले तो इसकी साइड के धागे आगे कटिंग करनी पड़ेगी। धागे काटे हैं और इसको सीधा किया है, थोड़ा सा ये धागे काट दिए मैंने साइड से जो कि लटक रहे थे। ये मशीन में डालने से और धुलाई से खुल गए धागे इसके, तो इसके लिए मैंने किनारी बनाने की सोची है। किनारी बनाने के लिए मैंने इस चद्दर को लिया है और चद्दर की उरेप टाइप में किनारी काटी है, पट्टियाँ काट ली उरेप टाइप की यानी तिरछी पट्टियाँ काट ली है और इनको किनारियों पे जोड़ लेंगे। ये हमने तिरछी पट्टी काट ली और फिर इसको किनारों पे जोड़ रहे हैं हम। किनारों पे जोड़ने के लिए हमने इसमें थोड़ी बीच बीच में फ्रिल भी डाली है ताकि कहीं जहाँ जहाँ कहीं घुमाव आता है तो वहाँ पर ये आसानी से मुड़ाव आ सके, इसलिए हमने बीच बीच में हल्की हल्की फ्रिल देते चले जाएंगे जहाँ कहीं ज़्यादा घुमाव है वहाँ वहाँ पर। एक फ्रिल हम यहाँ डाल देते हैं और इस प्रकार हम किनारे जोड़ते चले जाएंगे। ये हमने किनारे मोड़ लिया है। आपको जितनी चौड़ी किनारी चाहिए उतनी चौड़ी पट्टी काट लेनी है। मैंने 4 इंची पट्टी काटी थी, अब इसको किनारी को सिल दिया है और उसको फिर मोड़ कर सिल रही हूँ अब मैं। तो ये देखिए, अब मोड़ कर सिल रही हूँ। इस प्रकार हमने इसकी किनारी सिल रही है। तो ये हमारा इस सोफ़ा का एक कवर हो गया है। अब हम कुशन कवर भी बनाएंगे, छोटा कवर। कुशन कवर के लिए हमने निशान लगा लिए हैं 4 कोने, नीचे कुशन रख दिया है और एक बीच में पॉइंट ले लिया है। अब पॉइंट के ऊपर भी हमने एक तिकोने का जैसे लटकन टाइप में होता है वो वैसे फ्रिल, वो तिकोनी फ्रिल काट ली है और उसे इसके साथ ही स्टिच कर देंगे इस प्रकार। ये 2 फ्रिल तिकोनी फ्रिल हमने सिल दी, ये तीसरी सिलने जा रहे हैं। एक इनके बीच में सिल देंगे। इस प्रकार हमने इसकी चौथी फ्रिल भी जोड़ दी है। अब हमने एक लटकन बनाई थी यही तिकोनी फ्रिल लगाकर, तो अब ये हम लटकन को भी सिल देते हैं। लटकन बनाने के लिए हमने ये पट्टियाँ सिली थी, पहले पट्टियाँ सिल लेंगे और सीधी पट्टी सिल के उसके बाद में उसके ऊपर तिकोनी फ्रिल बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से सिल देंगे पट्टी पर। ये हमने पट्टी सिल दी है इस फ्रिल पर। एक फ्रिल हम इस कोने पे भी लगा देंगे
इसके पट्टी पे इस प्रकार हमने ये लटकन तैयार कर ली है। तिकोनी पट्टियाँ ये तिकोनी शेप में काट दिए हैं और कई फ्रिल और ये लटकन हमने बना ली है। अब इसे हम जोड़ देंगे कोने पे। पहले निशान लगा लिया था हमने, जहाँ जहाँ इसको जोड़नी है वहाँ वहाँ पर निशान लगा कर और हम वहाँ पर लगा दिए। ये हमारा सोफे कवर का नया लुक। ये कैसे लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स करके बताना और ये सोफ़ा कवर का नया लुक कैसा लगा ये भी आप बताना। थैंक यू।